तो मेसनर्स अफेक्ट के अंदर क्या होता है कि जब आप एक सुपर कंडक्टर बनाते हो, मान लो बन गया, तो उसकी रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस क्या हो गई? जीरो, खत्म हो गई। अगर आप सुपर कंडक्टर बनाते हो तो आपका टेम्परेचर लेस देन क्रिटिकल है, और अगर वो ग्रेटर देन क्रिटिकल है तो फिर वो कंडक्टर है, फिर वो सुपर कंडक्टर तो है ही नहीं। अगर आप ऐसे मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखो, हमने मैग्नेटिक फील्ड अभी किया नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड किया, पर अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखो जहां मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इमेजिन करो बिल्कुल वही काम करती हैं जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स करती हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करती हैं और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स मैग्नेटिक फ्लक्स को करती हैं। तो सुपर कंडक्टर के अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड की लाइन क्रॉस ही नहीं करती, और नॉर्मल कंडक्टर में सारी लाइंस कंडक्टर के अंदर से क्रॉस कर जाती हैं। तो जब इसमें से कोई लाइन क्रॉस नहीं करती तो इसको बोलते हैं एक्सपल्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स फ्रॉम सुपर कंडक्टिंग मटीरियल। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें से पास नहीं करता। जब ये सुपर कंडक्टर हो जाता है तब, जब टेम्परेचर कितना कूल कर दिया जाता है बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर, और मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है जब इसे सुपर कंडक्टर को, इसको मेसनर इफेक्ट बोलते हैं। और ऐसे केस में ये जो सुपर कंडक्टर है वो क्या बन जाता है? डाइलेक्ट्रिक बन जाता है वो। बस ये प्रॉपर्टी को और इस पूरे प्रोसेस को, इफेक्ट को क्या बोलते हैं? मेसनर इफेक्ट।